इधर देख सकते हो टी शॉप भी बंद है, यहाँ पे हम लोग बहुत पहले चाय पीते थे। मुझे लग रहा है लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर इन्हीं पे पड़ा है ना। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। ओके सो फिलहाल आज का ब्लॉग क्या होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं। ओके सो आज का ब्लॉग होने वाला है कि मतलब गांव के हाल कैसे हो गए हैं, मतलब लॉकडाउन होने के बाद इफेक्ट कैसा पड़ा है गांव के ऊपर। वो काफ़ी कुछ चेंज भी हो गया है हमारे गाँव और आसपास के एरिए में जो भी है कुछ, तो बहुत सारे चेंजेस भी आ गए लॉकडाउन होने के बाद। और इस वायरस के आने के बाद आप लोग को दिख रहा होगा कि हर जगह मास्क टंगा होगा, इधर एक मास्क, इधर दूसरा मास्क, इधर तीसरा मास्क, मतलब पूरे घर में हमारे सिर्फ मास्क ही मास्क आपको दिखेगा। सो फिलहाल अभी हम लोग बाहर चलते हैं, आपको सब कुछ दिखाते हैं कि मतलब क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कैसा इफेक्ट पड़ा है हमारे गांव के ऊपर और आसपास एरिया के ऊपर ये लॉकडाउन लगने के बाद। तो भी चलते हैं बाहर एंड देखते हैं गाइस क्या होता है क्या, और बहुत लोगों का रिएक्शन भी हम कैप्चर करने वाले हैं आज के ब्लॉग में। सो चलो एंड देखते हैं, चलो। ऑलराइट सो जाने से पहले एक बात और बता दूं कि काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, इसका ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि आप किस कैमरे से व्लॉग करते हो। तो मैं कोई कैमरे से व्लॉग नहीं करता हूं, मैं सिंपल फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूं, जो कि है फ़ोन का नाम Realme U1, जो कि मेरा पर्सनल फ़ोन भी नहीं है, मेरी अम्मी का फ़ोन है। तो मतलब मैंने 1 के कम्प्लीट किया बिना पर्सनल फ़ोन के, काफ़ी अच्छी बात है। एंड एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ जाने से पहले कि अगर आप लोग न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, मतलब फोर्स नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जुनैजो भाई ने बोला है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो क्रिएटर्स को कहना नहीं पड़ेगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऑटोमेटिक हो जाएगा चैनल सब्सक्राइब। तो चलो बस चलते हैं। ऑलराइट सो फिलहाल अभी देख सकते हो आप लोग नीचे मेरे क्रिकेट हो रहा है, क्योंकि विलेजर्स के जो बच्चे हैं हम लोग यानी कि वो क्रिकेट के बिना रह नहीं सकते ना, सही बात है। मज़ा आ रहा है क्रिकेट खेलने में, तो लॉकडाउन में टिप्पर मैच खेल रहे हैं, छोटा छोटा मैच हो रहा है, छोटा सा खेत है उसी में खेल रहे हैं, और कहाँ जाएंगे कहाँ, सब कुछ लॉकडाउन पड़ा हुआ है, सब कुछ बंद है, चौराहे पे भी हम लोग नहीं जा सकते, सब दुकानें बंद हैं। पीछे आप लोग देख रहे हो ये, सो ये पहले थे चाय की दुकान, मतलब अभी भी है बट अभी लॉकडाउन की वजह से ये क्लोज है अभी फ़िलहाल। सो मतलब देख रहे हो पीछे ये कांटा वगैरह रख दिए ताकि कोई भी पब्लिक आके जुट ना पाए, यहाँ पे इकट्ठा ना हो पाए पब्लिक लोग, इसीलिए यहाँ पे कांटा रख दिया गया है। सो यहाँ पे चाय की दुकान भी बंद है। मतलब मैं अगर बताऊँ कि विलेजेस में क्या क्या खुला हुआ है इस समय, तो राशन की दुकान एंड मतलब दूध दही की दुकान और मेडिकल्स, ये सब खुले हुए हैं फ़िलहाल, एंड डॉक्टर की दुकान, ये सब खुले हुए हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि बहुत सारे लोकल्स वाले बंद हैं, और कुछ चुप्पे चुप्पे भी खोले हुए हैं विलेजेस में, यही सब चल रहा है। अकेले बैठ के क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? हाँ ओके सो थोड़ा बहुत मैंने गाँव का एरिया अपना दिखाया, और अभी फ़िलहाल मैं बता दूँ कि मतलब जो जो जिसको जिसको बाल भी कटवाना होता है वो गाँव में अभी एक फ़िलहाल एक लड़का है जो कि सैलून में एक रहता था, अभी फ़िलहाल वो भी घर पे ही है, तो सबका वो बाल काट वाट देता है। और बहुत सारे लोग मेरे विलेज में थे साइकिल बनाने वाले, वो भी साइकिल घर पे ही बना रहे हैं अभी फ़िलहाल। और अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ बाहर, बाहर का एरिया दिखाता हूँ, मैंने गांव अपना दिखाया थोड़ा बहुत, तो अभी बाहर का एरिया एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा आसपास का एरिया, तो मुझे गाड़ी निकालना पड़ेगा, तो गाड़ी में निकालता हूँ एक्टिवा अपनी, उसके बाद चलते हैं गाड़ी से। ये रखे ये चलो करी। ऑलराइट सो फिलहाल अभी हम लोग चल चुके हैं, मैं दिखाता हूँ आगे चल के कि क्या हो रहा है अभी अपनी गाड़ी से, क्योंकि ऐसे हम लोग चल चल के दिखा नहीं सकते हैं। तो देख सकते हो रोड जैसे कि खाली है, और यहाँ पहले बहुत पब्लिक आती जाती थी, बट अभी लॉकडाउन के वजह से पूरा रोड सुनसान है, इधर भी देख लो और इधर भी देख लो पूरा खाली है रोड, दो चार पब्लिक आपको दिखेगी जो कि सिर्फ काम से ही जाते हैं। अभी चलते हैं आगे दिखाते हैं। देख सकते हो धान बोल रहा हूँ, गेहूं की कटाई भी हो चुकी है इधर, मतलब मशीन वशीन लग गया है,
सो गेहूँ की कटाई हो चुकी है फिलहाल। सब लोग बहुत टेंशन ले लिए थे कि गेहूँ कैसे कटेगा ये वो, तो फिलहाल लेकिन कट चुका है सब कुछ। और इधर देख सकते हो टी शॉप भी बंद है, यहाँ पे हम लोग बहुत पहले चाय पीते थे, और ये सब दुकान भी है, तो ये सब अभी बंद है फिलहाल। सो फिलहाल हम लेने आए थे धनिए का बीज, जो कि हमको खेतों में काम था, थोड़ा बोना था, तो उसको फिलहाल लेने आए थे हम लोग, फालतू में नहीं आए थे। इसको रखते हैं साइड में, इसको बांध दो एंड फिर निकलते हैं। और ये देखो कुछ लोग यहाँ बैठे भी हुए हैं यहाँ पे। ओके सो जैसे कि मैंने फिलहाल अभी बाहर जाके मैंने सब कुछ दिखा दिया कि क्या इफ़ेक्ट पड़ा है विलेजेस में लॉकडाउन को लेके, तो बहुत गंदा इफ़ेक्ट पड़ा है, मतलब खाने से लेके उठने बैठने तक सब कुछ बहुत गंदा इफ़ेक्ट पड़ा है। लेकिन कर भी कह सकते हैं हम लोग, यही एक रास्ता है कि इसको हम कम कर सकते हैं और रोक सकते हैं, बस यही है। तो अगर ऐसे ही वीडियो आपको और चाहिएंगे तो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बता देना कि लॉकडाउन के ऊपर और वीडियो चाहिए, इसी से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी कड़क आने वाला है, एकदम मचा देगा। सो स्टे ट्यून्ड तब तक, और चलो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, और चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।